कानपुर में कॉलेज ऑफ नर्सिंग व GSVM मेडिकल कॉलेज के साथ संयुक्त तत्वाधान में नर्सों को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग दी गई। इस वर्कशॉप में बताया गया कि VIA, VILI के माध्यम से हम किस तरह से महिलाओं में कैंसर को पकड़ सकते हैं। स्त्री व प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीना गुप्ता ने बताया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज की स्त्री व प्रसूति रोग विभाग में 21 जुलाई 2022 से कैंसर OPD का संचालन किया जा रहा है। गर्भाशय के मुख के कैंसर की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष लगभग 25,000 नए सर्वाइकल कैंसर के केस रिपोर्ट किए जाते हैं। स्त्री रोग विभाग GSVM के जच्चा बच्चा अस्पताल में अब तक लगभग 5,000 मरीजों की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। यह प्रोजेक्ट ICMR द्वारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग व GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर को दिया गया था। नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर करेश प्रसाद व कार्यक्रम सचिव नमिता बत्रा थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर आलोक रंजन थे। कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर सुमनलता वर्मा, डॉक्टर लुबना खान, डॉक्टर सीमा द्विवेदी, डॉक्टर रेणु गुप्ता, डॉक्टर शैली अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा सहित सभी संकाय सदस्य भी मौजूद रहे। हाँ, मैं CMO कानपुर नगर इस वर्कशॉप के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्टाफ नर्स और CHO को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया जा रहा है, और इसमें हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM और GSVM गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं इसके लिए, और आप सबको धन्यवाद कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें। I request Mrs. Priyanka, Tutor, Government College of Nursing, to please felicitate our Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.